आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपकी होस्ट शिवानी और आज हम बात करने वाले हैं आप सभी की सबसे ज्यादा प्रिटी, सबसे ज्यादा फेवरेट और सबसे ज्यादा पसंदीदा टीवी एक्ट्रेस अनिका यानी कि सुरभि चंद्रा के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि खूबसूरत सी दिखने वाली एक्ट्रेस आखिर कहाँ से बिलोंग करती है और उन्होंने कैसे की अपने टीवी करियर की शुरुआत। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सुरभि का अगर हम डेब्यू की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी और शायद कुछ ही लोगों को ये बात पता होगी कि आप सभी की प्यारी अनिका यानी कि सुरभि का डेब्यू शो था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिससे उन्हें उनकी एक्टिंग को इतना ज्यादा नोटिस किया गया। उसके बाद उन्हें एक और सीरियल में काम मिला जिसका नाम था एक नंद की खुशियों की चाबी। हालांकि वो सीरियल इतना पॉपुलर नहीं था लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बैक टू बैक सीरियल में अपनी एक्टिंग दिखाई है वो एक से बढ़कर एक हिट और फेवरेट सीरियल रहे हैं। उसके बाद अनिका नजर आई हमें कबूल है में, उसके बाद उन्होंने काम किया इश्कबाज में और इसके अलावा उन्होंने दिल बोले ओबरॉय में भी काम किया है और जिसमें आपने इन सारे चैनल्स में सारे प्रोग्राम्स में अनिका का बेहतरीन एक्टिंग और उनका शानदार लुक देखा होगा। तो चलिए देख इस बात की ऐसी कुछ और खास जानकारी आपको देते हैं आप सभी की फेवरेट अनिका के बारे में और इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। टीवी के सबसे पॉपुलर शो इश्कबाज के मेन लीड यानी कि अनिका का रोल प्ले करने वाली, सबके दिलों पर अपनी छाप छोड़ने वाली सुरभि चंद्रा इन दिनों अपने गुड लुक्स को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुरभि चंद्रा हमेशा से ही एक ग्लैमरस रोल में आपको नजर आएंगी। इसके अलावा आज हम आपको उनकी लाइफ से जुड़ी एक ऐसी जानकारी बल्कि कई जानकारी बताएंगे जिससे आप अब तक हैरान थे, अनजान थे। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुरभि चंद्रा के वो राज के बारे में जिसे सुनकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुरभि टीवी एक्ट्रेस यानी कि आपकी अनिका विद्या बालन की फिल्म बॉबी जासूस में सपोर्टिंग रोल में भी नजर आ चुकी हैं और इस फिल्म में उन्होंने अमना खान का रोल प्ले किया था जो कि बहुत ही छोटा सा था। इसके अलावा अगर सुरभि के डेब्यू शो टीवी शो की बात की जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि टीवी टाउन का सबसे ज्यादा पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी वो काम कर चुकी है। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा से टीवी इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस सीरियल में स्वीटी के रोल में नजर आई थी जो कि एक और छोटा सा ही रोल था। इसके बाद सुरभि को एक जाना माना सीरियल मिला जिसका नाम था कबूल है, जो कि टेलीकास्ट हुआ करता था जी टीवी पर और सुरभि ने साल 2013 से साल 2014 तक इस सीरियल में काम किया। जानकारी के लिए बता दें कि सीरियल में वो हया इमरान कुरैशी के किरदार में नजर आई थी जो गूंगी और बहरी थी, लेकिन अपने गजब की एक्टिंग से और गजब के अंदाज से सुरभि चंद्रा ने हर किसी के दिल पर उस सीरियल से छाप छोड़नी शुरू कर दी, या फिर यूं कह लीजिए कि सुरभि का टैलेंट हर कोई उस सीरियल के बाद अच्छे से जान गया था। इसके अलावा अगर सुरभि के रिसेंटली अपीयरेंस की बात की जाए तो वो हाल फिलहाल में चल रहे सीरियल इश्कबाज में अनिका के रोल में आपको धमाल मचाती हुई नजर आ रही होंगी। इसके अलावा आपकी जानकारी बता दें कि आपकी सुरभि एक ट्रेन भरतनाट्यम डांसर भी है और अगर उनके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो वो दिल्ली के एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ पर वो मार्केटिंग से MBA भी कर चुकी है, तो वही मार्केटिंग फील्ड से होने के बावजूद वो एक्टिंग में करियर बनाने से पहले काम करियर कैमरे के पीछे करना शुरू कर चुकी थी, यानी कि बड़े पर्दे पर एज अ मेन लीड आने से पहले सुरभि चंद्रा ने कई सालों तक कैमरे के पीछे काम भी किया है और ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सुरभि ने काफी जल्दी टीवी ऑडियंस के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपना एक अलग मुकाम सेट किया है और आज हर घर में हर किसी के जुबान पर अनिका नाम आते ही उनका चेहरा आसानी से आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं सुरभि की कुछ पर्सनल डिटेल्स की तो उनका निक नेम भी सुरभि ही है और पेशे से आप सभी को जैसे पता है वो एक्ट्रेस है। इसके अलावा
अगर बात की जाए सुरभि के जोडिक साइन की, तो उनका जोडिक साइन है स्कॉर्पियो और होम टाउन सुरभि का मुंबई ही है, जहां से वो अपना बर्थ प्लेस भी मानती है। सुरभि ने अपनी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की है आर्थर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी से, जहां पर उन्होंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, यानी कि मार्केटिंग में MBA भी हमारी अनिका के पास काफी अच्छे तरीके से है। इसके अलावा अगर बात की जाए टीवी डेब्यू की, तो कबूल है सीरियल से उन्होंने एक्टिंग वर्ल्ड में अपने पैर जमाने शुरू किए थे। हॉबीज में अनिका को, यानी कि आपकी सुरभि को, किताबें पढ़ना और डांस करना बेहद पसंद है। इसके अलावा अगर बात करते हैं अनिका के फेवरेट फूड की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अनिका को मैकडॉनल्ड्स जाना बेहद पसंद है और उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन है ग्रीस, जहां पर वो जाना चाहती हैं। इसके अलावा जब अनिका से एक इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि उनके मन पसंदीदा एक्टर्स कौन हैं, तो इसके जवाब में सुरभि चंद्रा ने कहा कि बॉलीवुड के इरफान खान और हॉलीवुड से जॉन स्टैमोस उनके फेवरेट एक्टर हैं। तो वहीं फेवरेट बुक के बारे में बताते हुए सुरभि ने कहा कि द सीक्रेट बाय रोनडो वायने उनकी फेवरेट बुक है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुरभि चंद्रा हमेशा से ही अपने रिलेशनशिप की खबरों को लेकर काफी टाइम से सुर्खियों में बनी रही थी, जहां उनका नाम कई बार उनके को आर्टिस्ट नकुल से जोड़ा जा चुका है, यानी कि जिन्हें आप शिवाय के भूमिका में देखते हैं। तो वहीं कुछ दिन पहले उनका नाम उनके क्लोज फ्रेंड से भी जोड़ा जा रहा था। अगर बात की जाए सुरभि की डेट ऑफ बर्थ की, 11 सितंबर 1989 को सुरभि ने जन्म लिया था, और 2018 के मुताबिक अगर हम रिसर्च के अकॉर्डिंग बात करें तो इनकी एज लगभग 28 साल के आसपास होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुरभि को कबूल है के अलावा बाकी के सीरियल्स में भी काम करके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, जिसके बतौर पर उन्हें आज का उनका हिट सीरियल इश्कबाज में काम करने का मौका मिला। सुरभि 29th पोजीशन पर भी टॉप 50 सेक्सीएस्ट वुमेन की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं, जो कि एक पब्लिश की गई थी किसी रिप्यूटेड मैगजीन में। इसके अलावा वो एनुअल टीवी पर्सनालिटी की लिस्ट में भी 7th रैंक हासिल कर चुकी हैं, यानी कि कहना गलत नहीं होगा कि वो अपने टैलेंट और खूबसूरती के बल पर अब तक काफ़ी कुछ काफ़ी अच्छे से अचीव कर चुकी हैं। और अगर बात की जाए हाल ही में हुए जी रिश्ते अवार्ड्स में, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इश्कबाज सीरियल में उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सुरभि को और नकुल को, यानी कि शिवाय और अनिका की जोड़ी को नवाजा गया है बेस्ट जोड़ी के अवार्ड से भी, जिसे लेकर सुरभि काफी खुश नजर आई थी। और अपनी खुशी का इजहार करते हुए सुरभि चंद्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ फोटोज अवार्ड के साथ शेयर भी की थी, जिसे देखकर आप उनकी खुशी का साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए उनके ऑन कैमरा बेहद सिजलिंग केमिस्ट्री की नजर आने वाली शिवाय के साथ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों का बॉन्ड भी असल जिंदगी में काफी हद तक ऐसा ही है, यानी कि सुर भी नकुल के बेहद करीब हैं, लेकिन एक फ्रेंड के नाते। अपने दिए इंटरव्यू में खबरों की माने तो सुरभि ने अपने और नकुल मेहता के अफेयर रिलेशनशिप की खबरों को खारिज करते हुए इस बात का साफ तौर पर खुलासा भी किया था कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। वो मुझे समझते हैं, मैं उन्हें समझती हूँ, और हम दोनों का एक दूसरे के साथ बॉन्ड काफी अच्छा है। तो वहीं चलिए आपको बताते हैं सुरभि के अब तक के करियर के बारे में कि उन्होंने किस ईयर में कौन से टीवी शो में कितना काम किया है। खबरों की माने तो साल 2009 में जहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सुरभि ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी, तो वहीं साल 2013 में नंद की खुशियों की चाबी इस सीरियल में भी उन्हें देखा गया था। लेकिन उसके बाद साल 2014 से 15 तक टीवी टाउन का फेमस सीरियल कबूल है में उन्हें खास पहचान मिली, जिसके बाद साल 2015 में उन्होंने कुछ दिन आहट सीरियल के साथ काम किया। फिर साल 2016 में उन्होंने इश्कबाज में अपनी इश्कबाजी दिखाई, और
फिर साल 2017 में दिल बोले ओबरॉय नाम के प्रोजेक्ट के साथ वो जुड़े। इसके अलावा अगर बात करें सुरभि के पर एपिसोड इनकम की, तो खबरों की माने तो सुरभि हर एक एपिसोड के लिए 30,000 से लेकर 40,000 तक का चार्ज करती है। नेटवर्क का हिसाब अभी कुल मिलाकर नहीं लग पाया है, लेकिन अगर ऑटो प्राइस की बात की जाए तो 62 से लेकर 71 लाख तक सुरभि कमा लेती है। इतना ही नहीं, अगर उनकी बात की जाए बेस्ट फ्रेंड की, तो खबरों की माने तो करण शर्मा नाम के आर्टिस्ट उनके काफी क्लोज फ्रेंड है। हालांकि अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की कॉन्फर्मेशन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये थी आपकी पसंदीदा, आपकी चहेती सुरभि के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो भाई अनिका चाहे एजुकेशन में उनके पास MBA की मार्केटिंग की डिग्री क्यों ना हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि पैशन बड़ी चीज होती है, और शायद उसी को फॉलो करते हुए अनिका ने, आप सभी की सुरभि ने MBA छोड़ अपनी एक्टिंग वर्ल्ड में एक पहचान बनाने के बारे में सोचा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और शेयर करके जरूर बताएं, और साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।